सिंह राठौर और पेशेंट है मेरी माताजी संतोष भाई। 16 मई 2017 से मेरी माताजी को बुखार आना शुरू हुआ। उसके बाद हम जयपुर दिल्ली जगह जगह के हॉस्पिटल में उनको दिखाते रहे। बाद में हमें पता चला कि उनको रोमेटाइड आर्थराइटिस है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े त्रस्त होना शुरू हो गए, एक तरह से उनका सांस फूलना, ये सब आने लग गया। उसके बाद हमें डॉक्टर्स ने बताया कि इनको ऑक्सीजन थेरेपी पे रखना पड़ेगा। उसके बाद मेरी माताजी को 24/7 ऑक्सीजन चलता था। उसके बाद हमें मणिपाल हॉस्पिटल से एक फ़ोन गया कि डॉक्टर अखिल गोयल ने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद आके हमने डॉक्टर साहब को दिखाया। मिसेस संतोष भाई, जिनकी उम्र लगभग 54 साल होगी, जब हमारे पास एडमिट हुए थे तो उनको 3 साल से जोड़ों में इतना दर्द और सूजन होता था कि वो अपनी रोज़मर्रा के कार्य करने में असमर्थ हो गई थी। साथ ही में उनको 3 साल से नियमित रूप से खांसी आती थी और सांस फूलता था, जिसकी वजह से उनको अधिक मात्रा में 24 घंटे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया पर कोई आराम नहीं आया। उनकी खून की जांचें और छाती के सीटी स्कैन के आधार पर उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डायग्नोज किया गया। तो जब वो मेरे पास आए तो वो बहुत हताश थी और वो अपनी जीने की उम्मीद खो चुकी थी। आप ये समझो कि किसी का फ़ोन आता था हमारे पास तो हमको ऐसा लगता था कि शायद ये जानना चाहते हैं कि हमारी माताजी कितने दिन के लिए हैं या कितने दिन के लिए नहीं है। और हमारी फैमिली में खुशियां मनाना, किसी के आना जाना, किसी से मिलना, लगभग हमारे परिवार ने सबको छोड़ दिया था। किसी से नहीं मिलते थे और हम लोग मम्मी के आगे दूसरे फेस से जाते थे और हमारे अलग से हम कुछ दूसरे जोन में रहते थे, जैसे रोते रहते थे या फिर भगवान की पूजा करते रहते थे कि भाई कैसे माताजी ठीक हो जाएं। इस जोन में हम हमेशा रहते थे और एक डर लगा रहता था कि पता नहीं माताजी हमको छोड़कर कब चले जाएंगे। तो ये सब देख के हमने उनका इलाज शुरू किया। इलाज में हमने स्टेरॉइड्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेटोक्सीमैब नामक बायोलॉजिकल दवाई का इस्तेमाल किया, जिसके इस्तेमाल से 2-3 हफ्ते में ही उनके जोड़ों के सूजन और दर्द में इतना आराम आया कि उनका चलना फिरना शुरू हो गया। साथ ही में 2-3 महीने में उनकी सांस फूलने की तकलीफ़ में भी इतना आराम आया कि उनका जो 24 घंटे जो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी उसकी मात्रा भी कम हो गई। सारे काम खुद करते हैं, खुद के घूमते फिरते हैं। पहले इनसे बेड से और टॉयलेट तक नहीं जाया जाता था, या तो हम उठा के ले जाते थे या बेड पे कराते थे। आज अब ये अपना सारा काम खुद कर लेते हैं। प्लस सुबह और शाम 2-2 चक्कर, मेरे घर के सामने लगभग 100 मीटर का रोड है, वहाँ 2 चक्कर सुबह 2 चक्कर शाम को लगाते हैं, खुद घूमते हैं। आजू बाजू में अड़ोसी पड़ोसियों के घर भी जाते हैं, मिल के आते हैं लोगों से। ये रेटोक्सीमैब का इंजेक्शन हमने 6 महीने बाद फिर दिया था। इस दौरान उनकी सांस फूलने में इतना सुधार आ गया था कि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की आवश्यकता लगभग ना के बराबर हो गई थी। पहले जब वो आई थी तो उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन 85 या उससे कम रहता था और अब इलाज के बाद उनको बिना ऑक्सीजन के उनका सैचुरेशन 96-97% रहता था। अखिल सर ने हमारी माताजी को एक जीवन दान दिया है। हम ये मान बैठे थे कि हमारी माताजी के रोग का कोई इलाज नहीं है। जब से हम अखिल सर के पास आए, उन्होंने शुरू में जैसे ट्रीटमेंट शुरू किया तो हमको उन्होंने बताया था कि हम 2 महीने में ऑक्सीजन से आपको निजात दिला देंगे, और हम उसमें कामयाब भी रहे। डॉक्टर साहब ने जैसे हमको बताया, हमने सारे उनके बातों को फॉलो किया और उसका नतीजा आ जाएगा कि हमारी माताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं। मेडिसिंस भी काफ़ी हद तक उन्होंने कम कर दिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस खाली जोड़ों की बीमारी नहीं होती, वह शरीर के बाकी भागों को भी हानि पहुंचाती है, जैसे कि मस्तिष्क, दिल या फेफड़ा और आँख। जैसे हमने देखा कि संतोष भाई जी के केस में फेफड़े पे बहुत हानि पहुंची थी, जिसकी वजह से उन्हें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया था। देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लगभग 30% लोगों में फेफड़े पर हानि पहुंचती है, जिससे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाता है। इस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका सही टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो ये जानलेवा हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ये आम धारणा है कि ये जोड़ों की बीमारी होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको जोड़ों के दर्द के साथ में
लंबे समय तक बुखार रहता है या थकान रहती है और साथ में आपकी आंखें और मुंह सूखती हैं और खांसी रहती है और सांस फूलता है, तो इसे अनदेखा ना करें, फौरन रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आपके रोग का डायग्नोसिस होगा उतनी ही जल्दी आपका इलाज शुरू हो पाएगा। आजकल गठिया रोग के इलाज में आधुनिक दवाइयाँ आ गई हैं जिसे हम बायोलॉजिक्स बोलते हैं, जिससे गठिया के मरीज में बहुत जल्दी सुधार आ जाता है। जब से हम माता जी को मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर लेके आए उसके बाद में उनके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार आया है और एक तरह से उनको जीवनदान मिला है।